इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत में तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कैसे अदालती अहकामात को नज़र की अंदाज किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी, जिस पर वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ अपनाया। जी, हमने उसी अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से की मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस की समाअत की, और आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत ने तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात के हाल से दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस के वास्ते एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब किया गया, और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए कि हमने हिदायत के साथ दरखास्त जो है वो निपटा दी थी, और जिस पर वकील उस्मान गिल ने कहा कि जी हमने इसी अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त जो है वो दी थी, इसके अलावा तोहिन अदालत की दरखास्त फाइल करें, और जिस पर अदालत ने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और अदालत ने मजीद कहा कि कैसे अदालती अहकाम को नजरअंदाज किया जा सकता है और ईद पर मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए, ये जेल अहकाम के इख्तियार में भी नहीं है। वकील उस्मान गुल की जान से इस्तला की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल को बुला लेते हैं, फिर इस मामले को जिनसे वो देखते हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को जो है उसको तलब किया, और जो बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत थी उसमें वक्फा कुछ देर के लिए किया गया, और उसमें जो एडवोकेट जनरल ऑफिस से स्टेट कौंसल अब्दुलरहमान जो थे वो भी अदालत में पेश हुए हैं, और जिस पर अदालत ने ये कह दिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और मुतल्लिका अहकाम जो थे वो रब्ता करके आज आगाह करें, और चीफ कमिश्नर ऑफिस और जेल अहकाम और दीगर जो फ्रकैन है वो रब्ता करें, अदालत को आज ही इस पर आगाह करें। और अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात की हिदायत की थी, और अदालत ने दोनों की मुलाकात ईद पर भी जो है करवाने की हिदायत की थी, और अदालती हुक्म के बावजूद जो है बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर अमल दरामद की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब मलिक, आपने हमें तफसीली अपडेट।